नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल की घड़ी के सीक्रेट फीचर्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपको मेरे फोन की स्क्रीन पर एक घड़ी दिख रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी घड़ी है, जैसे कि आपने और भी मोबाइल्स में देखी होगी इस तरह की घड़ियाँ। देखिए बिल्कुल नॉर्मल सी घड़ी है, लेकिन इसके कई ऐसे राज हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको एक इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। देखिए घड़ी जो है वो नॉर्मल मोड पर आ गई है, यानी कि अब ये हमारा जो हमें काम करना है उस पे मोड पर आ चुकी है। दोस्तों ये एक प्राइवेट गैलरी है, यानी कि यहाँ पर हम अपना जो भी प्राइवेट डाटा या वीडियो स्टोर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से तो इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपको। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बनाना है, जैसे कि मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड रखा हुआ है 1:10। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर अपना कोई पासवर्ड रख लेना है और ये सेंटर वाले बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पर पासवर्ड बन जाएगा। देखिए अब ये मेरा पासवर्ड मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है अपनी घड़ी के अंदर। अब ये घड़ी के अंदर देखिए मेरी प्राइवेट गैलरी है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि घड़ी में हम ऐसी चीज़ें भी छुपा कर रख सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ये एक फ़ोटो यहाँ पर पहले से ही सेव करके रख रखी है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप फोटो कैसे सेव कर सकते हैं, देखिए आपको नीचे प्लस के निशान पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप क्या क्या सेव करना चाहते हैं। मान लीजिए आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप कैमरे से डायरेक्ट अगर फोटो क्लिक करना चाहते हैं और सेव और करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप करेंगे। देखिए मैं कैमरे पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा, या कैमरे से जो भी आप फोटो खींचेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर सेव होती चली जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए आपके फ़ोन में कोई ऐसी वैसी वीडियो आप रखते हैं या कुछ डाटा रखते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा ना देखे, आप समझ सकते हैं मैं कैसी वीडियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप वो यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। देखिए हाइड वीडियोस के ऑप्शन पे क्लिक करके या फोटोज़ को भी छुपा कर रख सकते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर आप यहाँ से जो चाहें अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पर छुपा कर रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके देखिए मेन फीचर्स की, तो आप देखिए ऊपर आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जो बहुत ही काम के हैं। एक तो है ऐप लॉक और दूसरा है प्राइवेट ब्राउज़र। तो ऐप लॉक से आप किसी भी तरह की जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है उस पर आप लॉक लगाकर रख सकते हैं और जब आप उन पर लॉक लगाएंगे तो उनका पासवर्ड भी वही होगा जो अभी हमने अपनी घड़ी का पासवर्ड रखा था। देखिए मैंने ऐप लॉक पर क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप पर लॉक लगाया हुआ है, आप इसी तरह किसी दूसरी ऐप्स पर लॉक लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो उनके ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से बैक कर देता हूँ। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्राइवेट फीचर की, तो वह प्राइवेट ब्राउज़र। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे जो भी आप यहाँ पर देखेंगे या जो भी आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इसी गैलरी में आकर सेव हो जाएगा और यहाँ पर आप कुछ भी चलाएंगे तो उसके बारे में किसी को भी कानोकान खबर नहीं होगी। तो ये एक प्राइवेट ब्राउज़र आपके लिए दिया गया है, तो आप यहाँ पर सीक्रेटली कुछ भी देख सकते हैं। दूसरा इसकी सेटिंग्स अब देख लेते हैं। सेटिंग्स में यहाँ पर दो तीन चीज़ें इसकी बहुत ही खास हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये ऐप प्रोटेक्शन है, तो यहाँ पर इसको आप ऑन करके रखिएगा। ये जो आपको ऊपर बटन दिख रहा है इसको आप ऑन करके रखिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता है कि बच्चे हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर देते हैं या कोई दूसरा बंदा भी एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है, तो जब ये एप्लीकेशन को डिलीट करेगा तो आपका सारा डाटा इस एप्लीकेशन के साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऑन करके रखेंगे तो इस एप्लीकेशन को कोई भी आपके फ़ोन से डिलीट नहीं कर पाएगा जब तक कि आप इसको दोबारा से यहाँ पर ऑफ ना कर दें। और एक चीज़ मैं आपको और कह दूँ कि जब भी आप इस एप्लीकेशन को डिलीट करें तो सबसे पहले अपने जो भी फ़ोन का इस एप्लीकेशन में इसमें जो भी डाटा आपका स्टोर है उसको आप डिलीट कर दें या फिर अपना दोबारा इसको गैलरी में ले लें। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी पहली सेटिंग। दूसरा इसका आप यहाँ पर फेक पासवर्ड बना के रख सकते हैं, नकली पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं ताकि अगर कोई मान लीजिए कभी कोई आपके फ़ोन में इस घड़ी को आपको यूज़ करते हुए देख ले तो वो ज़रूर पूछेगा इसके पासवर्ड के बारे में, तो आप वहाँ पर इस नकली पासवर्ड को डाल के एक नकली गैलरी वहाँ पर दिखा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फेस डाउन लॉक एक ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो आप जब भी अपने फ़ोन का जो फेस है स्क्रीन है इसको जब भी आप नीचे की तरफ करेंगे तो ये घड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी और एक नॉर्मल घड़ी की तरह चलने लग जाएगी। तो ये इसके तीन यहाँ पर मेन सेटिंग थी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको एक फ़ोटो यहाँ पर ऐड करके दिखाई थी, तो इसी तरह से आपको जब यहाँ से अनहाइड करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं दोबारा से एक फ़ोटो यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, ये मैंने अभी अनहाइड कर दी थी तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल इसके अंदर कर लेता हूँ। देखिए अब मैं इसको मान लीजिए मुझे दोबारा से इसको गैलरी में वापस भेजना है तो उसके लिए मुझे इस फ़ोटो पर टच करके रखना है या कोई भी डाटा आपका जो हो उस पर टच करके रखिए और ऊपर लॉक के बटन पर आपको क्लिक कर देना है।
तो ये वापस आपके गैलरी में चली जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए पहले अनहाइड पर क्लिक करना होगा, तो ये वापस आपकी गैलरी में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इसके फीचर्स। अब देखिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। देखिए बहुत ही बढ़िया इसके फीचर हैं और एक बहुत ही प्राइवेट तरीके से आप यहाँ पर अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं इस घड़ी के अंदर। देखिए जब भी इसमें कोई देखेगा तो उनको सिर्फ नॉर्मल घड़ी ही नज़र आएगी और उसके अलावा यहाँ पर उनको कुछ नहीं दिखने वाला, ये देखिए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, इसे आप प्लीज़ एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। और ये वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, या आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान पर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।